दोस्तों आपने वीडियो कॉलिंग के बारे में कई बार सुना होगा या फिर आपने कई बार वीडियो कॉलिंग की भी होगी, मगर क्या आप जानते हैं कि वीडियो कॉलिंग कैसे होती है? हम जो बोलते हैं वो डेटा कहाँ जाता है, वो जो बोलता है वो डेटा कहाँ से हमारे पास आता है? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशान चौधरी, आप देख रहे हैं निशान भारत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आपने वीडियो कॉलिंग बारे में तो कई बार सुना होगा, जैसे कि आप कई बार वीडियो कॉलिंग करते भी हैं। और अगर हम बात करें वीडियो कॉलिंग कैसे होती है, इसके लिए कई सारे सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, जैसे कि आप या तो फेसबुक मैसेंजर के जरिए वीडियो कॉल कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप में भी वीडियो कॉलिंग ऑप्शन है उससे भी आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, या फिर आप स्काइप से कर सकते हैं, या फिर आपके पास गूगल हैंगआउट है तो आप उसके जरिए भी वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो बात करते हैं जब आप वीडियो कॉलिंग में किसी को रिक्वेस्ट भेजते हैं वीडियो कॉलिंग के लिए, तो उसके बाद जो बैकग्राउंड प्रोसेस होती है वो क्या होती है। देखिए, जैसे ही आप किसी को, अगर मान लो आपके कोई फ्रेंड आप उसे वीडियो कॉलिंग के लिए इनविटेशन भेजते हैं, उसके बाद मैसेज चला जाता है कि वो आपके साथ वीडियो कॉलिंग करना चाहता है। जैसे ही वो उसे एक्सेप्ट करते हैं वीडियो कॉलिंग स्टार्ट हो जाती है। जब उस वक्त आपके मोबाइल का जो डेटा होता है वो दो काम करता है, एक साथ वीडियो अपलोड करता है और दूसरे वीडियो को डाउनलोड करता है। जैसे कि सामने वाले ने आपको उसके हेलो बोला, वो हेलो पहले जो सर्वर है, मान लो अगर हैंगआउट का ले रहे हैं तो वो सीधा रहेगा गूगल के सर्वर में, वहाँ पर वो अपलोड हो जाएगा, फिर आपका जो नेटवर्क होगा वो उसे डाउनलोड करेगा और आपको दिखा देगा। ये होती है उसकी बैकग्राउंड की प्रोसेस। अब ये बहुत लंबी प्रोसेस है मगर आपको पता भी नहीं चलता, बहुत सेकेंडों में ये प्रोसेस पूरी होती है। जैसे उसने यहाँ पर हेलो बोला, आपको हाथों हाथ वो सुनाई देता है। अगर वैसे अगर आप उसकी कुछ बात करते हैं तो वो आप जो बोल रहे हैं वो पहले गूगल डेटा सेंटर में जाएगी, वहाँ पर अपलोड होगी, उसके बाद वो सामने वाला है उसे डाउनलोड हो जाएगी उसकी उसी ऐप के जरिए ऑटोमेटिक। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सारा काम उसका जो ऐप है वो कर लेता है, फिर वो आपको डाउनलोड हो जाता है, फिर वो आपको सामने वाले को दिखाई दे देता है कि उसने ये बोला और आपने ये बोला। ये होती है वीडियो कॉलिंग प्रोसेस। जो उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा कि स्काइप, फेसबुक और व्हाट्सएप में वीडियो कॉलिंग कैसे होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।